अफ्रीकी देश बोत्सवाना में पिछले 2 महीनों में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमयी मौत हो गई है। मामला ओकावांगो डेल्टा का है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। हाल ही में हाथियों की सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं। 2 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। हाथियों की रहस्यमयी मौत का पहला मामला मई में सामने आया था। इसके बाद लगातार मौत हुई और जून के अंत तक आंकड़ा 350 पार कर गया। ब्रिटेन कैनेशल पार्क रेस्क्यू के कंजर्वेशन डायरेक्टर डॉक्टर नियाल मैकिन के मुताबिक इससे पहले ऐसा गंभीर मामला नहीं देखा गया है। सूखे की स्थिति को अलग कर दें तो मुझे नहीं लगता कि इनकी मौत इससे पहले किसी दूसरी चीज से हुई होगी। नियाल कहते हैं कि उनके सहयोगियों ने मई की शुरुआत से लेकर अभी तक ओकावांगो डेल्टा में 350 से अधिक मृत हाथियों की पहचान की है। सरकार ने लैब में जांच कराई है लेकिन अब तक नतीजे सामने नहीं आए हैं। बोत्सवाना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक्टिंग डायरेक्टर डॉक्टर सिरिल ताउला ने गार्जियन को बताया, हम हाथियों की मौत से वाकिफ हैं। 350 में से 280 जानवरों की पुष्टि हो चुकी है। हम अन्य जानवरों का पता लगा रहे हैं। कोविड-19 के कारण हाथियों की जांच धीमी गति से हो रही है क्योंकि सैंपल को एनालिसिस के लिए दूसरे देश दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कनाडा भेजा गया है। वर्ल्ड एलिफेंट डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब सिर्फ 4 लाख हाथी बचे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक पूरे अफ्रीका में कुल 37 देशों में हाथी पाए जाते हैं और इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है। इनमें सबसे ज्यादा सवाना इलाके में है। यहाँ बीते 2 दशक में 2 लाख से ज्यादा हाथी शिकारियों ने हाथी दांत के लिए मार डाले हैं। ओकावांगो डेल्टा दलदलीय और हरा भरा क्षेत्र है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ करीब 15,000 हाथी हैं। बोत्सवाना की वाइल्ड लाइफ दुनिया भर के सैलानियों के लिए खास आकर्षण है। देश की GDP का 12% रिवेन्यू यहीं से आता है।